ये है मेरी जापान सीरीज की लास्ट वीडियो और इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा हांगकांग से लेकर मकाऊ तक की फेरी जर्नी और मकाऊ का शहर। इमिग्रेशन हो गया, कुछ नहीं पूछा। डिपार्चर कार्ड जो हांगकांग के एयरपोर्ट पे देंगे बस वो दिखाना है और फिर कुछ नहीं, बस पासपोर्ट देना है। नो स्टैम्प्स, नथिंग, कुछ नहीं। पर्ची भी नहीं देंगे हांगकांग वालों की तरह, कुछ सबूत ही नहीं है कि हम मकाऊ आए थे, कोई सबूत नहीं है। बस कंप्यूटर में एंट्री होती है। ये आ गया फेरी का डिपार्चर टर्मिनल। आ गए डिपार्चर गेट पे। ऐसा है कुछ डिपार्चर गेट, एयरपोर्ट जैसा बना रखा है पूरा। यहाँ पे जैसे बर्थ का मतलब इंडिया में क्या होता है, बर्थ का मतलब होता है सीट नंबर तुम्हारी क्या। यहाँ पे बर्थ का मतलब है प्लेटफॉर्म नंबर। जैसे बोर्डिंग गेट, एयरपोर्ट पे बोर्डिंग गेट जैसे हमारा 11 है तो बर्थ 11 कह रहे हैं यहाँ पे। और बस अभी क्या टाइम हो गया, 1:15 की है, 12:56 हो गए हैं। एक घंटे में पहुँचा देगी, मतलब 2:15 पहुँचा देगी फेरी हमको मकाऊ। हांगकांग को बाय कहने का टाइम। ये रही अपनी फेरी, और इस कैमरे को थोड़ा ठीक कर दूँ पहले। हाँ, ये रही अपनी फेरी। हांगकांग को बाय कहने का टाइम आ गया है, पहुँचते हैं। ये था हमारी फेरी का इंटीरियर जिसमें था फ्री वाईफाई और फुल्ली एयर कंडीशन। एयर कंडीशन फेरी फ्री वाईफाई के साथ $160 में मकाऊ तक लेके जाएगी हमको। टाइम बताना बहुत ज़रूरी है, रिलेट करोगे ना आप। 1:11 चार मिनट में चल देंगे हम मकाऊ की तरफ और एक घंटे में पहुँच जाएंगे। बिल्कुल मस्त। आप सब लोगों का तहे दिल से स्वागत किया जाता है मकाऊ में। एक घंटा 5-7 मिनट में पहुंचा दिया बोट ने, और अब जा रहे इमिग्रेशन की तरफ। ये हमको एयरपोर्ट वाले आइलैंड पे पहुंचा है, जो एयरपोर्ट पे मतलब कहाँ, ये एयरपोर्ट के बगल में ही फेरी टर्मिनल है, तो बिल्कुल एयरपोर्ट वाले आइलैंड में पहुँचे हम। 2:30 हो गए, 1:20 15 पे चले थे ना, 1:10 पहुँचा दिया। अब चलते हैं इमिग्रेशन पे, कुछ नहीं पूछेंगे वो मेरे को पता है। हो गया इमिग्रेशन, एयरपोर्ट फेरी टर्मिनल जो भी था ये इसके बाहर आ गए, दोनों कंबाइंड ही हैं। कुछ नहीं पूछा, वही इतनी बड़ी पर्ची दे दी हांगकांग वाली से, डबल साइज की पर्ची दे दी। 1 महीने का वीज़ा मिलता है, 1 महीने तक तो खैर कोई टूरिस्ट नहीं रहेगा यहाँ पे। अब ढूंढनी है बस नंबर 26, वहाँ से हमको जो मेरी डेस्टिनेशन है वहाँ जाती है बस नंबर 26। वो मैंने गूगल मैप से देखा है, कहीं पूछा नहीं है। तो अब 26 नंबर बस ढूंढते हैं, और यहाँ पे करेंसी जो है वही मकाऊ हांगकांग वाले ले लेते हैं। मकाऊ की थोड़ी सी वीक है, थोड़ी मतलब
इक्वली मान लो एक टू वन थोड़ी वीक होती है तो बड़ा अमाउंट में है वो अलग अलग अमाउंट लिख देते हैं, मकाऊ में दोगे तो इतना, हांगकॉन्ग में दोगे तो इतना, तो चेंज कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आ गया शायद बस टर्मिनल, ये रहा सारी बस बस खड़ी हैं, ये कहाँ पीछे से आ रहे थे हम, तो देखते हैं अभी कौन सी बस लेनी है, 26 नंबर ढूंढनी है, 26 26। पहुँच गए मकाऊ, बस नंबर मिल गई, अभी इनको नहीं पता कितने की टिकट लगती है, तो 20 हांगकॉन्ग डॉलर का नोट हम दोनों ने डाल दिया है, जो है 20 ले ले, अब उससे ज़्यादा नहीं डालते, 10-10 से ज़्यादा क्या लोगे भाई। मकाऊ में सब बसेस का फेयर फिक्स है, कितने भी डिस्टेंस पे जाओ, किसी भी रूट पे जाओ, 6 हांगकॉन्ग डॉलर या फिर 6 मकाऊ की करेंसी में डाल सकते हो आप। बस नंबर 26 ने छोड़ दिया हमको, एक जगह छोड़ दिया था, फिर उसके बाद मकाऊ में इतनी जगह नहीं है घूमने की। अगर मेरे पीछे देखोगे तो ग्रैंड लिस्बोआ दिख रहा होगा आपको, वो फ्लावर शेप में जो बिल्डिंग है, पूरा होटल्स और कसिनो का सिस्टम है यहाँ पे बस, और मेरे पीछे ये चर्च, ये है बस। यहाँ पे मकाऊ में 2-3 चीज़ें हैं घूमने लायक, ये चर्च भी क्या, एक दीवार सी बची है बस, और तो कुछ बचा भी नहीं है, और कसिनोज। तो आज हमारा कल सुबह सुबह 10 बजे की फ़्लाइट है, तो मतलब हमको यहाँ पे 5 बजे तक करना था टाइम पास, तो यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे हैं भाई, किसी की फ़ोटो ख़राब नहीं करनी चाहिए क्योंकि लोग हमारी कर देते हैं फिर। तो हम सोच रहे हैं अभी जाते हैं कसिनो में सामान वामान जमा कराते हैं, बैठते हैं वहाँ पे। और एक बात और बता दूँ, मकाऊ एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी, तो यहाँ पे सारी गलियाँ देखो आप, ये देख रहे हो सारी गलियाँ पोर्चुगीज़ स्टाइल में हैं, यहाँ पे सारे लोग पोर्चुगीज़ लैंग्वेज बोलते हैं। तो अभी कसिनो में जाएंगे ग्रैंड लिस्बोआ, जितना अंदर से दिखा सकूँगा दिखा दूँगा, क्योंकि शायद वीडियो रिकॉर्डिंग अलाउड है, कसिनो के नहीं होटल के अंदर अलाउड होगी, वो दिखा दूँगा। और फिर वहाँ पे बैग जमा कराते हैं, उसमें घूमते हैं, फिर जाते हैं पेरिस वाले कसिनो में, पार्शिन मकाऊ में जाते हैं, वहाँ पे बैग जमा कराएंगे, फिर रात को निकल लेंगे एयरपोर्ट, रात को सोएंगे एयरपोर्ट और सुबह बोर्डिंग पास लेके अपना वापस दिल्ली। ये है मकाऊ, मकाऊ में भाई कुछ नहीं है घूमने का, 2-4 जगह होंगी, एक उनमें से मेन ही है जो आप सारी फ़ोटोज़ में देखते हैं, और सारे कसिनोज हैं जो आपको रास्ते में भी दिखाए, और अब पास से भी दिखा दूंगा, रात को लाइट शो भी दिखा दूंगा कसिनो का। अब यहाँ पे खिंचवाते हैं 2-4 फ़ोटोज़ और फिर चलते हैं अपना कसिनो की तरफ, क्योंकि यहाँ पे फ्री ड्रिंक्स, फ्री कॉफ़ी पानी वानी सब वहीं मिल जाएगा, तो क्यों पैसे वेस्ट करने हैं। और हाँ, मकाऊ की सारी बसेस का फेयर 6 डॉलर है, 6 हांगकॉन्ग डॉलर कह लो मकाऊ का या कुछ भी, तो 20 डाल दिए थे हमको पता नहीं था, तो 6 डॉलर फिक्स है, 6 डालो और चलो बस। यही था मकाऊ का, ये है अपना चर्च, अब चलते हैं फ़ोटो खिंचा के कसिनो की तरफ। सोविनियर का काम जो हांगकॉन्ग में रह गया था, दोनों का काम इस दुकान से हो गया, जो मेरे पीछे है ब्यूटीफुल सुवेनियर ऑफ मकाऊ, यहाँ पे चर्च के उतरोगे ना नीचे तभी दिख जाएगी, दोनों सुवेनियर का काम हो गया और ठीक रेट पे मिले हैं, 15-15 डॉलर के मिल गए। एक मैंने कुछ अजीब सी चीज़ ली है अपनी फैमिली गिफ्ट के लिए, और ऐसा कुछ रात का नज़ारा है यहाँ का, इस स्ट्रीट का मैं अगर दिखाऊँ तो बहुत भीड़ थी अभी तो थोड़ी कम हो गई, तो चलो सुवेनियर का भी काम हो गया। अभी बज रहे हैं रात के कुछ 10 और मैं हूँ अभी कसिनो के बाहर, ये कसिनो बच्चा है, अभी जो मैं दिखाने वाला हूँ वो उसका बाप है, यहाँ पे सबका बाप है वो, ठीक है। तो अगर आपके पास 24 घंटे या फिर 16 या 12 घंटे या 10 घंटे मकाऊ आना चाहते हो, तो क्या करो कि कसिनो में जाओ, बैग डिपॉजिट कराओ, कसिनो में बैठो, खेलना है तो खेल लो 10-20 डॉलर का, हांगकॉन्ग डॉलर का भी खेल सकते हो 100-200 रुपये का, और बैग डिपॉजिट करा के बाहर घूमने चले जाओ, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ तुमको बाप, ये देखो ये है पूरा ग्रैंड लिस्बोआ कसिनो, इसके हम चले गए थे ऊपर 38th फ्लोर तक, लिफ्ट में गए, बटन दबाया, उन्होंने कहा नहीं भाई ये कसिनो तो है 38th फ्लोर पे, पर वो VIP के लिए है। हमने कहा भाई चलो एक मिनट, हमने कहा चलो कोई बात नहीं VIP के लिए, हम वापस नीचे आ गए, फिर हमने पूरे सिटी घूमा, वापस यहाँ पे आए, बैग उठाए अपने, ये रखे बैग, अब जा रहे हैं हम यहाँ पे जो आईफिल टावर है, आईफिल टावर मकाऊ में दिखाता हूँ आपको, भी आईफिल टावर भी है यहाँ पे, एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। बस ये था सबसे बढ़िया कसिनो जो यहाँ पे ग्रैंड लिस्बोआ,
मतलब एयरपोर्ट के दूसरे आइलैंड पे सबसे बढ़िया यहाँ पे ग्रैंड लिस्बोआ कैसीनो दिखाऊँ तो अगर दिख जाए तो, वरना मैं दूर से दिखा दूँगा। मैं बहुत बोर हो गया साउथ ईस्ट एशिया, रशिया, जापान ये सब घूम के, तो हमने सोचा भाई पेरिस चलते हैं सीधा हांगकॉन्ग से। ठीक है, तो हमने कराई पेरिस की फ़्लाइट बुक और पहुंच गए भाई सीधा आईफिल टावर पे। तो ये मेरे पीछे आईफिल टावर, ये है पेरिस, और यहाँ पे थोड़ी ठंड हो रही है पर हमने जैकेट वैकेट नहीं पहन रखी, एक दिन के लिए आए थे हम यहाँ पे। दोबारा दिखा देता हूँ, ये आईफिल टावर, मजाक कर रहा हूँ। अभी हमें मकाऊ में ये पेरिसियन पार्शियन क्या कहेंगे इसको, प्रोनाउंस करना भी नहीं आ रहा है, वो होटल है ये। इन्होंने पेरिस की कॉपी करके सामने आईफिल टावर बना दिया, उसके पीछे जो होटल है ये बस चाइनीज़ लोग सब कुछ कॉपी कर देते हैं। हाँ, सब चीज़ों की कॉपी आता है लोगों को। ये इसको कहते हैं जो आईफिल टावर है ना, उसकी हाफ हाइट है इसकी। तो ये था एक मतलब मज़ेदार चीज़ दिखानी थी। यहाँ पे सारे होटल हैं, उस तरफ वेनिशन है, इस तरफ ये स्टूडियो सिटी जिससे मैं लाइव आ रहा था, नेट चला गया मेरा बीच में, लाइव बीच में इंटरप्ट हो गया। ठीक है, ये वाला होटल बहुत बड़ा है, ये जो अभी जिसमें से लाइट जल रही है ना, ये वाला थोड़ा छोटा है। उस तरफ वेनिशन है और इसके पीछे गैलेक्सी होटल है, गोल्डन कलर का आएगा वो, और भी ख़तरनाक है। यहाँ पे एक से बढ़कर एक ख़तरनाक पे ख़तरनाक पे ख़तरनाक होटल्स हैं। इन सब के अंदर कसिनो पे कसिनो पे कसिनो है। 500 रुपये हम हार के आ गए हैं, 50 हांगकॉन्ग डॉलर। हमने खेला था ग्रैंड लिस्बोआ में, वो है मेन आइलैंड पे जो मकाऊ है, ये एयरपोर्ट आइलैंड कह सकते हो इसको एक तरह से, ताइपा एरिया है ये। तो बस अब यहाँ से फोटोग्राफी करके 12 बज गए हैं, एयरपोर्ट की बस लेते हैं और पहुँचते हैं सीधा एयरपोर्ट। और यहाँ पे लोगों को ब्लॉगिंग से इतना दिक्कत नहीं है, मेरे को चारों देशों में कोई दिक्कत नहीं हुई, सबको ब्लॉगर पसंद है, ब्लॉगिंग पसंद है, यूट्यूबर पसंद है। टाइम हो रहा है 8:18, और मैं यहाँ पे रात को आ गया था। ये है मकाऊ का एयरपोर्ट, अगर मैं दिखाऊँ तो ये है पूरा एयरपोर्ट। ठीक है, एयरपोर्ट कितना सा है, जितना बस टर्मिनल होता है दिल्ली में उतना सा एयरपोर्ट है। बता देता हूँ क्या क्या है, 3 वेंडिंग मशीन है, वॉशरूम है, पीने का पानी है, लगेज स्टोरेज फैसिलिटी है, एक कन्वीनियंस स्टोर है, और ये मेरे पीछे सारा चेक इन चल रहा है। 8:20 पे खुलेगा मेरा चेक इन, 2.5 घंटे पहले। और क्या है यहाँ पे, हाँ जो मैकडी है ऊपर दिख रहा होगा उस तरफ थोड़ा, वो मैकडी कार्ड नहीं लेता। ठीक है, तो अभी प्रशांत भाई ने क्या किया, सारे हांगकॉन्ग डॉलर डॉलर में करा लिए। फिर ऊपर गए, भाई मेरे को मैकडी से चाहिए खाना, वो कहते भाई हम कार्ड नहीं लेते। फिर उन्होंने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है, वो दोबारा कन्वर्ट करा के लाए हांगकॉन्ग डॉलर में। फिर अब वो गए हैं ऊपर, तो ये बात भी याद रखना, सारे मत कन्वर्ट कराना अगर मैकडी से खाना है तो। सोने का कोई सिस्टम नहीं है, इन्हीं चेयर्स पे सोना पड़ेगा। और बस चेक इन के बाद ही मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलेगा। अब मिलते हैं बैंकॉक पहुँच के, 2 घंटे पहुँच जाऊँगा शायद बैंकॉक। ये है पूरा मकाऊ का चेक इन के बाद एरिया, मकाऊ एयरपोर्ट का। अभी मैं आपको, ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं शायद, ड्यूटी फ्री हैं, हाँ ड्यूटी फ्री हैं ये वाली सारी शॉप्स। अभी सारी शॉप्स भी दिखा देता हूँ। 1 घंटा फ्लाइट डिले हो गई पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि थाईलैंड से 4 घंटे का स्टॉप और था, या वो 3 का हो गया, तो और बढ़िया हो गया। एक मेरा सब्सक्राइबर यहाँ मिल गया, उन्होंने कमेंट किया था वीडियो पे, मैंने रिप्लाई भी दिया पर कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया था। चलो अभी आपको दिखाता हूँ ड्यूटी फ्री, अगर सोविनियर मिस हो जाए ना आपके तो महंगे तो मिलेंगे पर यहाँ से मिल जाएंगे, दिखाता हूँ। ये देखो, ये सोविनियर की मशीन है। ठीक है, ये सारा है ड्यूटी फ्री एरिया, सारा आप कर सकते हो, सारा ड्यूटी फ्री है। सवाल, अब तो जा रहा हूँ वापस तो सवाल नहीं पूछे। मैं 12 किलो बैगेज लेके आ गया, 2 बैग्स में डिवाइड करके, और सेल्फ चेक इन कर दो तो कुछ भी पूछेंगे। अपना सेल्फ चेक इन किया मैंने, 12 किलो दोनों बैग लादे और चल दिए। हमारा गेट है 8। ये तो छोटा सा एयरपोर्ट है, वहाँ आगे भी थोड़ा दारू वगैरह की दुकान है,
चलते हैं वापस अब भाई के पास जो मेरे सब्सक्राइबर मिले हैं, उनसे बात कर रहा था, एक डेढ़ घंटा टाइम पास हो गया और फिर करते हैं बोर्ड, पहुँचते हैं अब बैंकॉक 3 घंटे बाद और 3 घंटे वहाँ स्टे है। दिखा दूंगा बैंकॉक का एयरपोर्ट भी, खैर एयरपोर्ट पे कुछ खास नहीं होता, मैं दिखा दूंगा फिर भी। मैं पहुंच गया हूँ बैंकॉक एयरपोर्ट पे। ऐसा एयरपोर्ट नहीं है ये, बिल्कुल एंड में है, आगे काफ़ी सारी ड्यूटी शॉप्स हैं, काफ़ी बड़ा शॉपिंग सेंटर सा मान लो उसको, डॉन मियोंग एयरपोर्ट है वाला। बैटरी गोप्रो की बस ख़त्म होने वाली थी तो मैंने थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड किया। सफ़र लगभग ख़त्म हो चुका है, बस अगली फ़्लाइट का इंतज़ार है। 3:01 हो रहा है और अगली फ़्लाइट 5:40 की है। तो यहाँ पे मैं नीचे के बैठा हूँ और बेंच खाली गया क्योंकि इस चार्जर की वजह से, चार्जिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आते ही यहाँ पे वाईफाई मिल गया, बहुत सारे वाईफाई हैं यहाँ पे, किसी से भी कनेक्ट कर लो। तो बस सफ़र की अब एंडिंग होने वाली है, जयपुर जाके वहाँ से मैंने ट्रेन बुक कराई है, वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि कोई मतलब नहीं बन रहा है। तो इस सफ़र को बस यहीं ख़त्म करते हैं, देखता हूँ अगला कहाँ जाऊँगा। ये वीडियो तो खैर काफ़ी बाद में आएगी, क्या पता अगला सफ़र शुरू भी हो जाए। बहुत मज़ा आया इसमें, तीन अलग अलग देश देखे, एक में पहले जा चुका था तो तीनों में अलग अलग तरह के लोग देखने को मिले। सबसे बढ़िया लोग मेरे को लगे, मैं ऐसे कंपेयर नहीं करता हूँ पर फिर भी मैं बताऊँगा भाई, क्योंकि मैं जो भी सच लगता है मैं हर बार बताता हूँ। सबसे बढ़िया लोग मेरे को जापान के लगे, फिर आता है हांगकॉन्ग और फिर आता है मकाऊ। मकाऊ थोड़ा चाइना की तरफ झुका हुआ है तो चाइना के लोग थोड़े आप समझ जाओ थोड़े मतलब अच्छे नहीं कह सकता, ऐसे नहीं कह सकता, मदद करी उन्होंने भी, पर थोड़े रूड किस्म के लगे मेरे को, सच बोल रहा हूँ मैं। अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे को कितने भी बैड कमेंट्स आए इस पर। तो ये थे मेरे व्यूज़। और मकाऊ एक पोर्चुगीज़ कॉलोनी है, ये मैं शायद किसी वीडियो में बताया नहीं बताया, पोर्चुगीज़ कॉलोनी थी तो वहाँ पर सब कुछ पोर्चुगीज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो लोग, स्ट्रीट्स पोर्चुगीज स्टाइल है वहाँ पे। तो और तो सब मैंने वीडियो में दिखा दिया है, अब करते हैं इस आखिरी वीडियो को यहीं पे ख़त्म। मिलता हूँ आपको किसी और सफ़र में, यात्रा में, यात्री डॉक्टर के साथ, बाय। तब तक के लिए, मेरे को वीडियो एंड करनी नहीं आती तो मैं ऐसे बस बाय कह देता हूँ, बाय आगे के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अब मिलेंगे हम किसी और सफ़र में किसी और समय।